So now fourth question is a flooring tile has the shape of parallelogram. एक फ्लोरिंग टाइल है, जैसे ये फ्लोर पे टाइल्स लगी है, दीज आर इन द स्क्वायर शेप. सो ऐसे ही फ्लोरिंग टाइल्स है, दीज आर इन द पैरेललोग्राम शेप. पैरेललोग्राम शेप्स क्या होती है? दिस शेप. क्लियर? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. हूज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर. आपको पैरेललोग्राम का बेस एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दे दी है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द टाइल? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट. तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम टाइल का एरिया निकाल सकते हैं. उसके बाद क्या है? हाउ मच सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर. क्या आपके पास एक फ्लोर दे दिया, उसका एरिया भी दे दिया कि ये एरिया है, यहाँ पे आपने इस साइज की आपने टाइल्स लगानी है. हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड? So, क्या करेंगे? हमने टाइल का एरिया निकाल लिया, हमें पता चल गया एक टाइल जो है ये मान लो आपका फ्लोर है, एक टाइल हमें पता चल गया इतना एरिया कवर करती है, तो दूसरी टाइल नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से. मींस क्या करेंगे? पूरे फ्लोर को किससे डिवाइड करेंगे? एरिया ऑफ टाइल से. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली व्हाट वी हैव गिवन, सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल is 24 सेंटीमीटर. और ये ध्यान रखिए आपका जो डायमेंशन है, टाइप की डायमेंशन क्या है? सेंटीमीटर में है. और जो फ्लोर का एरिया दैट इज इन मीटर. तो आप तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में. क्लियर? सो दिस इज 24 सेंटीमीटर. सो एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इज बेस इनटू हाइट. सो अ बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. सो इट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? एंड एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या है हमारा? 1080 मीटर स्क्वायर. हमारे पास जो टाइल का एरिया वो क्या है? सेंटीमीटर्स में है. और फ्लोर का एरिया यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर में. सो जब भी हमें नंबर्स निकालना है, कंपैरिजन कुछ भी करना है, देयर यूनिट शुड बी सेम. उनके यूनिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. सो मीटर स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. मीटर है सेंटीमीटर, वन मीटर है सेंटीमीटर, 100. क्लियर? सो मीटर स्क्वायर है तो मींस टू टाइम आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, टू टाइम 100 इनटू 100 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? सो नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. इस फ्लोर में हमें इस साइज की टाइल्स लगानी, कितनी चाहिए? सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल वन टाइम. क्लियर? तो हम उसको डिवाइड करते हैं. एरिया फ्लोर इज 1080 इंटू 100 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 240. जीरो से जीरो कट हो गया हमारा. अब इधर से हम कट करते हैं, टू वन जार टू टू जार टू फाइव जार टू फोर जार और जीरो, फिर ट्वेल्व एंड 54. सिक्स के टेबल में आता है, सिक्स टू जार ट्वेल्व, सिक्स नाइन जार 54, नाइन जीरो 90 हो गया, फिर टू वन जार टू, टू फोर्टी फाइव जार 90. सो 45 इंटू 100 इंटू 10 तो क्या बन गया हमारा? 10 into 100 into 10, 1000, 1000 into 45, that is 45,000 tiles. Clear? How many tiles are required? 45,000. तो आपने जब भी एरिया नंबर्स, किसी का भी नंबर निकालते हैं, जिसका नंबर निकालना है उसका एरिया क्या होगा? नीचे एज अ डिनोमिनेटर. और जिसमें से निकालना होता है उसका एरिया क्या होता है? ऊपर होता है. क्लियर?
सेम ऐसे वॉल्यूम में भी यही चीजें होती हैं कि एक चीज है उसमें से दूसरी चीज आपने मीन्स कंपैरिजन करना जो भी है नंबर निकालना है। सो जिसका नंबर निकालना है उसका एरिया वॉल्यूम हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, जिसमें से निकालना होता है वो ऊपर होता है। क्लियर? कटिंग करके डिवाइडिंग करके दैट इज योर आंसर। क्लियर?